और लगातार जारी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का दम मोदी थ्रू 3.0, यानी एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उनके मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का दम कैसे दिखा है, वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और उनको आने वाले समय में कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश को वरीयता दी गई है। उत्तर प्रदेश से 9 सांसदों को जगह दी गई है, 10 सांसदों को बल्कि मंत्रिपरिषद में जगह दी, क्योंकि 9 तो सुबह तक थे, शाम होते होते जब वर्धन सिंह ने शपथ ले ली तब 10 सांसद हो गए थे। बता दें आपको कि इसमें 5 ओबीसी हैं, 2 दलित हैं, 3 सवर्ण मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जातीय समीकरणों का भी खास ख्याल रखा गया है। सभी को साथ लेकर चलने के बाद प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और वो इस मंत्रिमंडल में दिखा भी है। इस बार एनडीए ने 80 में से 36 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश हर लिहाज से अहम है, इसलिए वरीयता भी दी गई है उत्तर प्रदेश को। 2019 में उत्तर प्रदेश में एनडीए को 64 सीटें मिली थी और 2019 में 15 मंत्री बनाए गए थे। तो इस बार जैसा परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस के लिहाज से ज्यादा जगह दी गई है। पिछली बार 15 थे, इस बार 10 सांसदों को जगह दी गई, इसमें 5 ओबीसी भी हैं। और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी हमेशा से बड़ी दी जाती रही, क्योंकि हमेशा से कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। एक और बड़ी खबर गायत्री से जानते हैं। और बड़ी खबर यह कि लखनऊ में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कुकरेल नदी पर जो कब्जा किया गया था उस अतिक्रमण को ढहा दिया गया, यह बड़ी खबर आपको बता दें। बुलडोजर लखनऊ में जहां पर अतिक्रमण किया गया था, कुकरेल नदी के पास अतिक्रमण किया गया था, उस पर योगी का बुलडोजर चला है। लखनऊ का अकबर नगर जहां पर एक बार फिर से योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कुकरेल नदी पर कब्जा कर लोगों ने अवैध ढंग से मकान बना लिए थे और पिछली सरकारों में नदी पर अवैध कॉलोनियां बसा दी गई थी, लेकिन अब उस कब्जे को खाली कराया जा रहा है। कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरी लड़ाई को लड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई को सही माना। अब यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर से ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। कुकरेल नदी के पास जो अतिक्रमण किया गया था, जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे, उनको ढहा दिया गया और हो सकता है कि आज एक बार फिर इसी तरीके की कड़ी कार्रवाई देखने को मिले। एक बार फिर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि पिछली सरकारों में किस तरीके से अवैध कब्जे करवा लिए गए थे उसको लेकर बकायदा कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी गई योगी सरकार की तरफ से और फिर कोर्ट के आदेश के बाद यह बड़ा एक्शन कोर्ट की तरफ से भी इस एक्शन को सही माना गया। तो लगातार देखिए एक्शन दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है और किस तरीके से अवैध निर्माणों पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है, ये तस्वीर के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर कोई भी हो, अवैध तरीके से अगर निर्माण किया गया हो और किसी भी तरीके से आपराधिक मामलों में संलिप्तता नजर आती है किसी की भी, तो इसी तरीके से एक्शन दिखाई देगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये एक्शन एक बार फिर से अवैध निर्माणों पर दिखाई दे रहा है और लगातार कार्रवाई इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि ये तस्वीर अभी अभी की है जहां पर किस तरीके से लगातार, क्योंकि अवैध निर्माण यहां पर बनाया गया था और इसे लेकर पहले ही सचेत कर दिया गया था कि अगर अवैध निर्माण बनाया गया हो तो वहां पर जो है कार्रवाई होगी और ऐसा हुआ भी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे कैमरा वन, कैमरा टू और ये कैम थ्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार देखिए जो एक्शन है वो दिखाई दे रहा है और बुलडोजर से कार्रवाई, हालांकि वहां पर भारी तादाद में जो पुलिस है उनके भी मौजूदगी देखने को मिल रही है, लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है, लेकिन बार बार जिस तरीके से कहा गया कि एक्शन होगा और वही एक्शन दिखाई दे रहा है। बुलडोजर का ये एक्शन अतिक्रमण पर दिखाई दे रहा है और ये 3 कैमरे के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके का वहां पर फिलहाल माहौल बना हुआ है। टूटा हुआ कांच दिख रहा है, ये उसी गाड़ी का है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान लगातार इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के इतिहास का सैलानियों में सबसे बड़ा आतंकी हमला है।